साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ड्रग केस में बुरी तरह से फंसे आर्यन खान किसी तरह जमानत मिलने के बाद घर तो पहुंच गए, लेकिन एक महीने तक आर्यन खान की, आर्यन के परिवार की, आर्यन के बेहद करीबी दोस्तों की सांसें अटकी रही। हालात ये रहे कि एनसीबी कब किसे पूछताछ के लिए बुला ले इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एनसीबी के रडार पर सबसे पहले आई थी अनन्या पांडे। अनन्या से लगातार दो दिन पूछताछ भी हुई, तीसरे दिन एक बार फिर से बुलाया गया मगर अनन्या बहाना मार गई। अब उसके बाद ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आए कि आर्यन को बेल मिल गई तो अनन्या वाला मामला भी होल्ड पर चला गया। मगर अब दिवाली के दिन, जी हां दिवाली के दिन अनन्या पांडे पर एनसीबी की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। एनसीबी का एक्शन हुआ है अनन्या पांडे पर और हालात ये हैं कि अनन्या पांडे नजर बंद हो गई है। जी हां दिवाली के दिन अनन्या के पेडलर के चार्ज तय हो गए हैं, गिरफ्तारी की तारीख भी आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है अपडेट, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान ड्रग केस में आर्यन के बाद कोई फंसा है तो वो अनन्या पांडे ही है। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि अनन्या हल्की फुल्की मददगार होगी, मगर जब एनसीबी के सामने पूरी चैट्स आई तो दावा किया गया अनन्या पांडे तो आर्यन को रग उपलब्ध करवा रही थी। जी हां आर्यन और अनन्या की चैट्स में साफ साफ दिख रहा था कि आर्यन डिमांड कर रहा था और अनन्या उस डिमांड को फुलफिल कर रही थी। और यही नहीं, इसके लिए सेलिब्रिटी नौकर का भी इस्तेमाल किया गया। अब अनन्या के साथ साथ वो नौकर भी एनसीबी के रडार में था। बड़ी स्ट्राइक पहले ही होने वाली थी लेकिन तब खुद समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए, जिसके बाद समीर दिल्ली चले गए और मामला वहीं पर अटक गया। लेकिन समीर वानखेड़े दिल्ली से लौट आए हैं और हालात ये हैं कि समीर वानखेड़े और भी ज्यादा ताकतवर होकर मुंबई लौटे हैं और तीखे अंदाज में केस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अनन्या के साथ साथ नौकर पर भी शिकंजा कस लिया है। दिवाली के दिन सबसे बड़ी स्ट्राइक अनन्या पांडे पर हुई है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनन्या पांडे से जो पूछताछ रह गई थी उसके लिए फिर से अनन्या को एनसीबी ने बुला लिया है। जी हां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अनन्या पांडे को फिर से एनसीबी ने तलब किया है और इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं बल्कि पूछताछ खत्म होते ही अनन्या पांडे की अरेस्टिंग भी हो सकती है। और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से ताकतवर होकर लौटे समीर वानखेड़े और ज्यादा सख्त तरीके से पेश आने वाले हैं। अगली पूछताछ में अनन्या पांडे की अरेस्टिंग तय है, उसके लिए दिन समय जगह सब कुछ तय किया गया है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिवाली के दिन ही ये नोटिस निकला है और अनन्या पांडे को सोमवार 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जी हां 8 नवंबर की वो तारीख है जब एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार एनसीबी ऑफिस में पूछताछ होगी और साथ ही साथ एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के लिए स्पेशल महिला अधिकारी को भी लाया गया है। एनसीबी ऑफिस में मौजूद महिला लॉकअप को भी साफ करवा लिया गया है, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि अनन्या की अरेस्टिंग भी उसी दिन होगी और उस रात यानी कि अनन्या पांडे की गिरफ्तारी की रात उसे लॉकअप में ही रखा जाएगा। क्योंकि अनन्या पांडे पर आर्यन खान से भी बड़े आरोप हैं। आर्यन पर सिर्फ ड्रग को खरीदने, दोस्तों के साथ शेयर करने का आरोप है लेकिन यहाँ पर अनन्या पांडे पर रक्स की पेडलिंग के आरोप हैं। क्योंकि अनन्या एक पेडलर की तरह आर्यन के लिए रक्स का बंदोबस्त कर रही थी, किसी से खरीद रही थी, किसी को पहुंचा रही थी, ऐसा खुलासा चैट में होने का दावा किया गया। अब जैसे ही यह खबर चंकी पांडे के घर पहुंची तो वहां भी कोहराम मच गया, क्योंकि अनन्या पांडे की हालत तो पहली दो पूछताछ में ही क्या हुई थी वो हमने आपको बताया था। अनन्या पांडे का बीपी लो हो गया था, वो रोने लगी थी और यहाँ तक कि फिल्मी अंदाज में ड्रामे भी करने लगी थी, सब कुछ हमने आपको बताया था। और अब खबर है अनन्या पांडे की हालत घर के अंदर भी खराब हो गई है। अनन्या ने खुद को घर के अंदर एक कमरे में कैद कर लिया है और अनन्या की हालत नजरबंदी जैसी है, घर से बाहर निकलना है नहीं। माता पिता ने घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। अनन्या पांडे घर के अंदर ही कैद है, सिर्फ अपने घर वालों से ही बात कर रही है और बार बार रोते रोते यही कह रही है कि मुझे जेल नहीं जाना, वो जेल नहीं जाना चाहती। बार बार खुद को बचा लेने के लिए अपने पिता से, चंकी पांडे से जिद कर रही है। अब हालांकि इतना तो तय है कि अनन्या पांडे को
पूछताछ के बाद 8 नवंबर को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और इस बार एनसीबी पुख्ता सबूतों के साथ पुख्ता तैयारी में है। और फिर अनन्या का जेल जाना भी तय है और कम से कम 1 महीने तक अनन्या पांडे को भी जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आर्यन केस की यहां दलील जरूर दी जाएगी और निचली कोर्ट से अनन्या पांडे को कोई राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि अनन्या पांडे पर आर्यन से भी बड़े आरोप हैं, पेडलिंग के आरोप हैं, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट भी जमानत खारिज कर दे, जिसके बाद महीनों महीनों तक अनन्या पांडे को मुंबई की भाईकला जेल में रहना पड़ सकता है। जिस तरह से फिल्म अभिनेता अरमान कोहली लंबे समय से जेल में बंद है, वैसे ही अनन्या पांडे भी लंबे समय तक मुंबई की जेल में बंद हो सकती है। तो कुल मिलाकर एनसीबी की तैयारी पूरी है, एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है, तीसरी बार पूछताछ के लिए अनन्या पांडे को बुलाया जा रहा है, दिन समय तारीख सब कुछ तय कर लिया गया है और बड़ी बात यह है कि अनन्या पांडे की गिरफ्तारी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अब कुल मिलाकर दिवाली पर अनन्या पांडे की जिंदगी का दिवाला निकलने जा रहा है और वैसे भी ऐसे स्टार किड्स को जिंदगी में कम से कम एक बार जेल की हवा खाना जरूरी है ताकि इनको सबक मिल सके, जिंदगी का सबक भी और कानून का सबक भी। अब आपका क्या मानना है, अनन्या पांडे को क्या आर्यन की ही तरह राहत मिल पाएगी या फिर अनन्या पांडे और भी ज्यादा लंबा नप सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो शाहरुख खान अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान है। हमने आपको बताया था कि आर्यन खान के कई तरह के ब्लड टेस्ट किए गए हैं ताकि आर्यन के बिहेव से संबंधित बातें कुछ बेहतर हो सकें और इन्हीं ब्लड टेस्ट के जरिए आर्यन की डाइट प्लान को भी बेहतर करने की कोशिश हो रही है। यही नहीं, आर्यन खान की मानसिक हालत को भी ठीक करने के लिए काउंसलिंग तक की गई और अब जो यहाँ खबर है कि शाहरुख खान ने लाइव कोच तक आर्यन के लिए रख दिया है, जो कि आर्यन को जिंदगी के फलसफे सिखाएगा और इसी लाइव कोच के चलते पहला बड़ा बवाल हो गया। जी हाँ, शाहरुख खान का पूरा परिवार अलीबाग में है और वहीं पर ये बवाल हुआ। अब पहले लाइव कोच का मामला समझिए और फिर आपको अलीबाग के फार्म पर हुआ बवाल भी बताएंगे, जासूस रखने की कहानी भी बताएंगे। तो शाहरुख खान चाहते हैं कि आर्यन खान जिंदगी को बेहतर तरीके से समझें और इसे हल्के में ना लें। इसके लिए आर्यन खान पर एक लाइव कोच रखा गया और पहले ही दिन आर्यन खान ने लाइव कोच को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुंबई के मशहूर लाइव कोच को आर्यन के लिए हायर किया गया था और उसे भी अलीबाग बुलाया गया, मगर आर्यन ने उसकी बातें मानने से सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने साफ साफ कहा कि जो भी लाइफ कोच कह रहा है वो सारी की सारी बातें किताबी बातें हैं, इनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, असली जिंदगी वो है, असली लेसन्स वो हैं जो वो खुद जेल में झेल कर आए हैं। आर्यन ने साफ साफ कहा कि उसे लाइफ कोच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो लाइफ को ऐसे कोचों से बेहतर जानता है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, आर्यन खान ने शाहरुख खान की वो लक्ष्मण रेखा भी लांग दी या कहें कि तोड़ दी जो आर्यन के लिए शाहरुख खान ने बनाई थी। शाहरुख खान के बर्थडे पर आर्यन खान घर से बाहर निकले और करीब 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान से इस पर सवाल जवाब भी हुए कि वो बिना बताए क्यों घर से चले गए। शाहरुख खान की तरफ से आर्यन को फटकार भी लगी कि जब उसे कहा गया तो फिर भी वो जानबूझकर क्यों मुश्किल में फंसना चाहता है। तो आर्यन खान ने साफ साफ कहा कि वो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर गया था, किसी से मिलने नहीं, वो कार से उतरा तक नहीं। मगर शाहरुख खान और गौरी को इस पर भरोसा नहीं था और इसे लेकर अलीबाग के फार्म पर खूब हंगामा हुआ। आर्यन को हिदायत दी गई कि वो बिना बताए ऐसे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, मगर आर्यन खान भी बोलता रहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने कहा कि उस पर ऐसे पहरेदारी मत करो, इससे मेरा दम घुटता है। इन सारी बातों को लेकर अलीबाग के फार्म हाउस पर खूब बवाल हुआ, हंगामा हुआ। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।